शिमला जिला के रामपुर के समीप खनेरी में वन विभाग की स्वर्ण वाटिका में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर और वन विभाग ने मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान जंगली फलदार पौधों को भी लगाया गया और उपस्थित महिलाओं को इसके प्रति प्रेरित किया गया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि वन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए उन्हें वनों में पर्याप्त आहार मिलना चाहिए। उन्हें बताया गया कि न केवल वन्य जीवों को भोजन मिलेगा बल्कि वे जंगलों में फल मिलने के कारण किसानों की फलों को भी कम नुकसान पहुंचाएंगे। विधिक सेवाएं प्राधिकरण लोगों को जंगली किस्म के फलों के लगाने के प्रति भी जागरूक कर रहा है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस डोगरा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज वीरेंद्र ठाकुर, मुख्य अरण्यपाल रामपुर अजीत ठाकुर आदि ने पौधारोपण कर लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक भी किया। मुख्य अरण्यपाल रामपुर अजीत ठाकुर ने बताया कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से जहां एक ओर लोगों को कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं वे समाज में पर्यावरण संरक्षण और वनों में फलदार पौधों को रोपने के प्रति भी प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रयास के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर वन विभाग ने पौधारोपण किया है, जिसमें महिला मंडलों को भी शामिल किया गया था। तो उनके साथ मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तथा स्थानीय महिला मंडल ने लगभग 30-40 पौधे आज जो है पौधारोपण किया। तो इसमें कौन कौन से पौधे लगाए गए और इसका भविष्य में किस तरह इसका प्रचार किया जाएगा? यहाँ मुख्यतः हमने वो पौधे लगाए जो जंगली फल होते हैं, जैसे बैमी है, जैसे अनार है, जैसे ये जामुन है, लोकाट है, तो वो वाले पौधे लगाए जो जंगली फल जिनमें आते हैं। और जहाँ एक और वन विभाग भी प्रयास करेगा कि इन पौधों की लगातार देखभाल करता रहे, लेकिन इसके साथ स्थानीय महिला मंडल शुरू से जुड़ा हुआ है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि महिला मंडल भी इसकी देखरेख करने में और इसके रखरखाव में अपना सहयोग देता रहेगा।